हैं। सब जानते हैं पानीपुरी का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ गया हो, खासतौर से लड़कियों के मुंह में। इस पानीपुरी के कई नाम है, कोई से पानीपुरी कहता है, कोई गोलगप्पा, कोई फुल्की, कोई पुचका। लेकिन हम यहाँ फुल्की या गोलगप्पे के गुण गान गाने नहीं आए, बल्कि आपके सामने इसको बनाने वाले की सच्चाई लाना चाहते हैं, जिसे जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जबकि ये पानी पुचका और गोलगप्पा हमें बड़ा पसंद है। खैर, आप लोग फुल्की, गोलगप्पे या पानीपुरी बड़े चटखारे लेते हुए खाते हैं, और लड़कियाँ तो बड़ी नज़ाकत से दिलकश अंदाज में आड़े टेढ़े मुँह बनाकर इसे खाती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद आपको जीवन कर जाने का एहसास करवाता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस पानीपुरी को आप इतने मजे से लेकर खा रहे हैं, इसे बनाने वाले पानीपुरी का आटा अपने पैरों से बोलते हैं। जी हाँ, पैरों से, और ये पैरों में कोई जल्द निकलते। ये सच है, आपको ठीक लगता है खुजली वाला दिन तो याद ही होगा ना, बस उससे मिलती जुलती बात है। जब एक पानीपुरी का आटा अपने पैरों से गूंथ रहे होते हैं, तो इनका पसीना भी आपकी पानीपुरी के आटे में मिल जाता है। और अगर पैर में कोई जख्म हो तो यानी अपने खून पसीने की दवाई खाते हैं, जो आपकी पानीपुरी में भी मिल जाता है। क्या ये जानने के बाद भी आप हमारी बात और हमारी वीडियो को नजरअंदाज करेंगे, या फिर आखिर तक देखिए। जाहिर सी बात है, पैरों से आटा गूंथने वाले कर्मचारी दिन में कई बार नंगे पांव बाथरूम भी जाते होंगे। आप क्या सोचेंगे, आप तो बस पानीपुरी बनाने वालों के कारनामे देखते जाइए। देखिए, एक ऐसे तंबाकू राजश्री खा रहा है, अभी अपने हाथों से आपके लिए ताजी पानीपुरी बनाकर तैयार कर देगा। यानी इसके कारण थोड़ा बहुत तंबाकू तो आपके पेट में भी चला जाता होगा, है ना। ये सब देखकर लड़कियां सोच रही होंगी कि कम से कम ये हाथ पांव तो धोते होंगे। तो गर्ल्स, आपको बता दें कि इनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि इन सब बातों पर ध्यान दें। भले ही इनके पास बजट या फिर स्वच्छता अभियान का चल रहा हो, कृपया महिलाएं खासतौर से बात को देखें। और जान लें, दिल्ली जैसे शहरों में भी पानीपुरी को कुरकुरा और जायकेदार बनाने के लिए स्वार्थी पानीपुरी विक्रेता इसे टॉयलेट क्लीनर से मिला रहे हैं। हुआ यूं था कि पानीपुरी विक्रेता अपने बिहारी से लौटने के बाद पानीपुरी का खट्टा मीठा पानी हर रोज सड़क पर फेंक देता था। इतने हिस्से में पानी फेंका जाता था, सड़क का इतना हिस्सा खराब होता चला गया। लोगों ने ये बात नोटिस की कि आखिर सड़क का इतना हिस्सा खराब क्यों हुआ। जितने देर पानीपुरी का पानी फेंक गया, आखिरकार इस बात की शिकायत खाद्य विभाग से की गई, तब जाकर पर्दाफाश हुआ और ये पानीपुरी विक्रेता पानीपुरी में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करता था। अब वो मत कर देना, आगे चलो। जब इस मामले की जांच हुई और आरोप सही साबित हुआ, तो दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, हम जानते हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ठेले और थोड़े से दिखने वाले चाट पकौड़ी या पानीपुरी चावल के बारे में पता लगाएं कि आखिर इस गर्मा गर्म चटपटी चीजों का राज क्या है। आपको तो चटखारे लेने से मतलब है, आप भला क्यों पता करेंगे कि किस गंदी जगह बन रहा है, कैसी गुणवत्ता का सच है। क्या आपको मालूम है, आप जो गोलगप्पे पानीपुरी में खाने का स्वाद लेते हैं वो कहाँ रखा जाता है, उसे किस तरह के पानी में उबाला जाता है। अगर मालूम होता तो आप किसी ठेले पे खाना तो दूर की बात है, आप उसके नजदीक नहीं जाते। ये चाट पकौड़ी पानीपुरी विक्रेता आलू को न सिर्फ गंदे पानी में उबाल देते हैं, बल्कि इन्हें गंदी जगह पर रखकर उसका ऊपर छिड़का करते हैं, और तो गटर तक के पानी से आपको बर्तन धोते दिख जाएंगे। अब आप खुद बताइए, किस मानसिकता से ले रहे हैं, चंद पैसों के लिए कि आपके जीवन से मिल जाता है। अगर ये घटनाक्रम आपकी आंखों के सामने होता तो आप क्या करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सभी खेले और खोजे वाले बन सकते हैं, कुछ बड़ी साफ सफाई और ईमानदारी से अपने जिंदगी को कमाते हैं, मगर मुनाफे की आड़ में जिंदगी से खेलने वालों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या किया जाए। आप जहां भी ऐसा देखें तुरंत दुकानदार को टोक दें, वरना वीडियो बनाकर रखें और उपभोक्ता अधिकारी का उपयोग करके इस खामियों की शिकायत करें। और कोशिश करें आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके दोस्त गंदी मिलावटी पानीपुरी न खाने पाए। अगर खाना है तो अपने स्तर पर पानीपुरी चाट वगैरह की गुणवत्ता को परख लें, साफ सफाई को देखें, चाट और पानीपुरी में इस्तेमाल किए गए पानी को जांच लें, साथ ही बनाने वाले और परोसने वाले के हाथों पर भी गौर कर लें, उसके हाथ और उसके बर्तन साफ है कि नहीं। इन सब बातों से संतुष्ट होकर ही आप जो खाए पिए, ऐसा करके आप अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि मिलावट के दौर में बेहद जरूरी है। दोस्तों, हर वीडियो लाइक या सब्सक्राइब पाने के लिए नहीं बनाया जाता, कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। आज हम आपको किसी लाइक या सब्सक्राइब की बात नहीं करेंगे, हमारा काम आपको जागरूक करना था। हाँ, आपको शेयर करने के लिए जरूर बोलेंगे ताकि आपकी वजह से कई जीवन सुरक्षित हो जाए। आपको क्या लगता है, हमारे देश में जहरीली मिलावट की सजा क्या होनी चाहिए? इस वीडियो पे कमेंट करके अपने विवेकशील होने का सबूत दीजिए। आपके कमेंट, लाइक, शेयर बहुत से लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। हमें आपके कीमती कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।